अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हों सब खैरियत से हों। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद उज़्मा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बंगाली गट्टे की रेसिपी। तो देखिए, यहाँ मैंने बंगाली गट्टे को वॉश करके ले लिया है, कट करके। यहाँ मैंने अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और यहाँ मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 6 से 7 लिए हैं ग्रीन चिली। अब हम बनाएंगे। देखिए, यहाँ मैं एक कुकर लिया है, उसमें डाली है और डाल लिया है ऑयल और 1/2 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है यहाँ मैंने तड़के में। अब यहाँ मैं डालूँगी, देखिए, 3 मीडियम साइज़ की मैंने अनियन ली थी, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। और देखिए, मैंने ऑयल में इसे डाल दिया। 1 टीस्पून यहाँ मैंने सौंफ डाली और 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला और 1 टीस्पून देखिए यहाँ मैंने रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने पाव भाजी मसाला डाला था, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है सब्ज़ी में, और 1/2 टीस्पून ही होममेड गरम मसाला डाला था। अब देखिए, ये मसाले हमारे सारे भुन गए तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटो और ग्रीन चिली। टमाटो भी मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे और ग्रीन चिली मैंने ली थी 6 से 7, इस तरह मोटा मोटा कट कर लिया था मैंने। अब देखिए, मसाले में डालकर हम इसे भूनेंगे। देखिए, बंगाली गट्टा जो होता है ना, उसका मसाला बहुत अच्छे से पका होना चाहिए, एकदम जो कहते हैं ना, एकदम दानेदार मसाला, भुना हुआ इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई मीट वगैरह तो है नहीं जो ज़्यादा गलेगा या उसमें ही मसाले पक जाएंगे। हम कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्ज़ियों में ना आप अच्छे से मसाले को भूनिए। अब देखिए, यह मसाला भुन गया तो मैंने रोगन उतार लिया था, क्योंकि पकने के बाद इसका रोगन जो है रिलीज़ नहीं होता है, वो सब गायब हो जाता है। और यहाँ मैंने बंगाली गट्टा इसमें ऐड कर दिया था। और देखिए, मैं इसकी करूँगी अच्छे से मिक्सिंग मसाले के साथ, और इसमें तरी के हिसाब से, जिस हिसाब से आप तरी खाना चाहें उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकती हैं। और यहाँ देखिए, मैंने 2-2.5 गिलास करीब पानी डाला था, मुझे कुछ नमक कम लगा और तो मैंने यहाँ नमक को भी ऐड कर दिया। और यहाँ मैंने देखिए 1 टीस्पून भर के गरम मसाला डाला था। अब देखिए, हमारा बंगाली गट्टा माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, और जो हमने ऊपर से इसका जो रोगन उतारा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, कितना मज़ेदार सा हमारा बंगाली गट्टा तैयार हो चुका है, तरी वाला। आप चाहें तो कम तरी भी रख सकती हैं, ऊपर से मैंने कोरिएंडर इसमें डाल दिया। आप इसी मेथड के साथ बनाइए, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।